हाय गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और जैसा कि आप टाइटल से पढ़ सकते हैं, ये जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें हम लोग ट्रैकिंग के बारे में जानेंगे, मोका ट्रैकर और उसके डिटेल ट्रैकिंग के बारे में। धीरे धीरे करके मैं हिंदी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा मोका के। आप लोग का जैसे रिस्पॉन्स रहेगा हिंदी ट्यूटोरियल्स को लेकर, मैं उस हिसाब से इस चैनल को ही मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा हिंदी में तो आगे के ट्यूटोरियल्स भी हिंदी में आते रहेंगे, और अगर नहीं अच्छा रहा तो मैं वापस रिवर्ट हो जाऊंगा इंग्लिश पे। सो आज का जो टॉपिक है वो मोका ट्रैकिंग के ऊपर है। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और एक ट्यूटोरियल में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो ये एक सीरीज की तरह ही होगा जिसमें मैं छोटी छोटी चीजें भी कवर करता रहूंगा साथ में, और एक बेसिक इन डेप्थ ट्रेनिंग भी देता रहूंगा। सो हाय गाइस, मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस सीरीज के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मोका प्रो 2019। अगर आप मोका का लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2019 का, तो एसेंशियल्स का जो पैनल है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा अपने वर्जन से, बट बाकी का यूआई आपको सब सेम लगेगा। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेसिक मोका का यूआई और एक बेसिक ट्रैकिंग शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी जो आप देख रहे हैं ये एक एसेंशियल लेआउट है मोका की तरफ से। इसमें आपको बेसिक ट्रैकिंग के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे और जितने बाकी टूल्स हैं जैसे कि लेंस डिस्टॉर्शन, एडजस्ट ट्रैक, स्टेबलाइज और जितने भी ये सब एडवांस मेथड थे उन सबको उन्होंने क्लासिक में रखा है, और बाकी एसेंशियल में केवल इन्होंने आपको ट्रैकिंग के पर्पज से दे के रखा है। और बात करें अगर एसेंशियल के यूआई की, तो ऊपर में आप लोग देख सकते हैं सिलेक्ट टूल, हैंड टूल, जूम टूल, एक्स स्प्लाइन, मैग्नेट स्प्लाइन, बी स्प्लाइन, सो प्लेनर सरफेस, सो ग्रिड सरफेस, आपको ये बेसिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे अप साइड में। और बाकी अगर नीचे आए तो ये आपको लेयर पैनल मिल जाएगा जहाँ पे आपके सारी लेयर शो करेंगे जो भी आप सेव क्रिएट करेंगे। और नीचे आपको सेंसर्स के टूल मिल जाएंगे जिसमें कि आप ट्रैकिंग को लेकर देख सकते हैं कि आप ट्रांसलेशन चाहते हैं, स्केलिंग, रोटेशन, स्क्यू और पर्सपेक्टिव, तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी ट्रैक फॉरवर्ड एंड स्टॉप और ट्रैक बैकवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, और सेम ऑप्शन जैसे यहाँ पे थे ऊपर में सो सरफेस एंड अलाइन सरफेस का और ग्रिड का, वो आपको यहाँ नीचे मिलेगा। और उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट के दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको सेप एक्सपोर्ट करने तो आप एक्सपोर्ट सेप पे क्लिक कर सकते हो। अगर ट्रैकिंग डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से ट्रैकिंग डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, जितने भी इंडस्ट्री यूज सॉफ्टवेयर सारे सपोर्ट करता है, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और नीचे में आपको मिल जाएगा ये इनका टाइमलाइन और प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड का और मैनुअली की लगाने का। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट करना फुटेज को, और करते हैं कि बेसिक ट्रैकिंग। फाइल में जाना है और आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। इस समय सारे ऑप्शंस आपके पास डिसेबल होंगे, आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे इंपोर्ट क्लिप पे जाना है और चूज़ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास एक और पॉपअप विंडो खुली होगी जहाँ पे आपको अपनी फुटेज ब्राउज करनी है और इसको इंपोर्ट करना है। मैं ऑलरेडी अपने एक सीक्वेंस में हूँ, तो बस मेरे को जस्ट एक इमेज क्लिक करनी और ओपन कर देनी है, और ये अपने आप ही पूरा सीक्वेंस ले लेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे फ्रेम रेंज भी दिखा रहा है, 0 से 288 फ्रेम रेंज है। आप नाम दे सकते हो, कोई भी आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना हो तो वो नाम दे दो। मैंने प्रोजेक्ट नाम रख दिया जैसे यहाँ पे, तो ये प्रोजेक्ट के नाम से सेव हो जाएगा। और फ्रेम ऑफसेट अगर आपको करना है कोई फ्रेम ऑफसेट तो आप यहाँ से फ्रेम ऑफसेट भी कर सकते हो, कोई नहीं, आपको बस इसको रोटेशन देना है कि कितने फ्रेम ऑफसेट चाहिए आपको, जस्ट क्लिक करना है और रोटेशन देना है आपको। बट ये ऑप्शन जल्दी यूज़ नहीं होता, जस्ट इसको क्लियर करके 0 लिख दीजिए, और बाकी चीज़ें तो मैक्सिमम यूज़ नहीं होती। अगर आपको 360 वी आर फुटेज है तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। बाकी इसको करने के बाद बस आप क्लिक कर दो ओके पे और ये प्रोजेक्ट आप पे इम्पोर्ट हो जाएगा। और आप साइड में थोड़ी सी डिटेल भी देगा कि आपको कौन सा मोका यूज़ कर रहे हो, तो आपको जब भी देखना कि कौन सा वर्जन है तो आप यहाँ से देख सकते हो। मेरा 2019 है तो यहाँ पे मोका प्रो 2019 वर्जन लिखा है। ये फाइल सेव कहाँ हो रही है वो आपको थोड़ी डिटेल दिखेगी, जैसे ये मेरा फाइल पाथ है पूरा यहाँ पे सेव हो रही है, और मैंने जैसे कि नाम देके रखा था प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट डॉट मोका फाइल के नाम से सेव हो रहा है, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये फुटेज है हमारी, इस समय अगर हम इसको प्ले करके देखें तो कुछ इस तरह का ही शॉट है। ये एक हैंडल्ड शॉट है। अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम लोग ट्रैकिंग मोका पे करेंगे। जैसे कि अभी अगर आप डिटेल देख सकते हैं तो इसके फ़ोन के अंदर भी देख सकते हैं कि आपको ये रिफ्लेक्शन फ़ोन में मिलेगा डिटेल पे। तो हम लोग को जो ट्रैकिंग करनी होगी रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज़ करके चलना होगा, रिफ्लेक्शन को हटाना होगा अपनी ट्रैकिंग डेटा से। सो कुछ इस तरह का शॉट आपने देखा कि ये शॉट इस तरह आ रहा है, हैंडल्ड शॉट है केवल सिंपल सा, और आखिरी में जाके स्लाइड हो रहा है आपकी तरफ। सो अब पहली फ्रेम पर आते हैं। सो सबसे पहले एनालाइज़ करना, तो हमने एनालाइज़ कर लिया। अब बात है कि अगर थोड़े फंक्शनैलिटी की कि व्यूअर में कैसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो या पैन कैसे कर सकते हो, तो पैन के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ मिडिल माउस बटन क्लिक करना है, होल्ड करना है, और आप इजीली पैन कर सकते हो अपने व्यूअर को। और अब आपको अगर जूम करना तो आप अपने कीबोर्ड पर जेड की होल्ड करिए, उससे आपको ये जूम टूल इनेबल हो जाएगा। नोटिस करिएगा कि आप जैसे जेड की हटाएंगे तो ये डिसेबल भी हो जाएगा ऑप्शन, तो आपको अगर जब जूम करना है तो आपको ये होल्ड करके रखना होगा। तो आप जी की होल्ड करिए अपनी, और अप और डाउन करिए।
अब से जूम होगा, डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा। तो जहाँ भी आपको जूम इन चाहिए आप वहाँ पे जाके जूम इन कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे को यहाँ जूम इन चाहिए तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाऊंगा तब यहाँ से जूम इन करूँगा, तो इसका जो मेन एक्सिस होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह ये वर्क करता है। जूम टूल जब आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो ये आपको जी की नहीं दबानी पड़ेगी, आप मैनुअली ऐसे कर सकते हो और ये तब तक जाएगा भी नहीं जब तक आप दोबारा पिक टूल पर क्लिक नहीं करते। शॉर्टकट जितना हो सके उतना याद करके रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने फोटेज इंपोर्ट किए तो ये सारे ऑप्शंस जो ट्रैकिंग के थे वो सब भी इनेबल हो चुके हैं। अभी जैसे देख सकते हैं कि हमारा ट्रांसलेशन स्केलर स्केलिंग रोटेशन और इसकी ऑन है। अगर आपका पर्सपेक्टिव भी है शॉट में चेंज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा तो आप पर्सपेक्टिव भी इनेबल कर सकते हो। ट्रांसलेशन स्केलिंग रोटेशन इसकी सारे काम कर देता है मैक्सिमम जब तक हाईली पर्सपेक्टिव ना ऑब्जेक्ट। तो अब चलिए एक शेप बना लेते हैं अपना और इसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये स्क्रीन है तो अगर हम लोग नॉर्मली इसको ट्रैक करना चाहेंगे तो ये ट्रैक नहीं होगा। तो चलिए पहले एक बार इसको एक नॉर्मली ट्रैक करके देखते हैं कि ये ट्रैक हो गया नहीं। तो यहाँ से हम एक्स स्प्लाइन ले सकते हैं। शेप बनाने के लिए हम लोग पास एक्स स्प्लाइन, बी स्प्लाइन, मैग्नेट स्प्लाइन और फ्री हैंड टूल भी है। मौका मेनली हम लोग एक्स स्प्लाइन यूज़ करते हैं, बट अगर आप लोग न्यूक सॉफ्टवेयर से आ रहे हो, आपको बी स्प्लाइन पसंद है तो आप लोग बी स्प्लाइन भी यूज़ कर सकते हो। चलिए जूम इन कर लेते हैं शॉर्ट में पहले और एक्स स्प्लाइन बनाते हैं। हम लोग ने एक्स स्प्लाइन सेलेक्ट करके रखा है यहाँ से। तो कुछ नहीं, बस सिंपली हम लोग यहाँ पे एक शेप बनाते हैं नॉर्मली, कुछ इस तरह का शेप बनेगा। और एक्सिस प्लाइन में ये कि आप कोई आप जब तक पॉइंट्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं जितने भी पॉइंट्स बना रहे हैं। और आपको इस पॉइंट क्रिएशन से अगर आउट होना है तो आपको जस्ट राइट क्लिक करना है और ये जो टूल है वो डिसेबल हो जाएगा लाइक दैट। जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो एजेस है वो काफ़ी कर्व है इस समय, तो इनको स्ट्रेट करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस सेलेक्ट करना है। अगर आपको सिंगल पॉइंट अगर आपको स्ट्रेट करना है इसके कॉर्नर्स को तो बस इसको सिंगल पॉइंट सेलेक्ट करिए और ये जो इसके एंड में एज आ रही है इसको सिर्फ आउटवर्ड की तरफ ड्रैग करिए। ये आपको मैनेज करता है कि आपकी एज कितनी कर्व होगी और कितनी क्रिस्प होगी। और सारे एक साथ करने के लिए आपको बस सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़ के आप बाहर कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इसकी एजेस को क्रिस्प कर दिया है। अब बात है अगर हम लोग इस तरह अगर ट्रैक करेंगे एक्चुअली, तो अभी जो है हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ये जो स्क्रीन है प्रॉपर ट्रैक नहीं होगी। बट चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं आप लोग के लिए। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ ट्रैक फॉरवर्ड पे और ये ट्रैक फॉरवर्ड होने लगा है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये स्लाइडिंग हो रही है इस समय मेरी ट्रैकिंग में पूरी, इसीलिए हो रही क्योंकि ये रिफ्लेक्शन जो अंदर है वो एनिमेट हो रही है और ये ट्रैकर हमारा सही से स्टिक नहीं हो पा रहा है सरफेस से। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन शॉट्स के लिए हम लोग के लिए यही अच्छा होता है कि हम लोग जो इंटीरियर पार्ट है जहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको निगलेक्ट करें और आउटर पार्ट को ट्रैक करें। बहुत सारे ऑप्शन से आपको मोबाइल ट्रैक करने के लिए आप कोई भी तरीका आजमा सकते हैं। तो पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी ये अंदर की तरफ एज आ चुकी है, बट स्टार्टिंग में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि एज पूरी अलाइन थी हमारे मोबाइल से। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेयर भी हमारी क्रिएट हो चुकी है, जो भी ये शेप हमने बनाया है वो इस लेयर के अंदर स्टोर है। तो चलिए इसको हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ऑफ़ कर दिया आई बटन और साथ में हमको ये प्रोसेस बटन भी मिलेगा, इसको भी ऑफ करना इंपॉर्टेंट है ताकि ये भी ट्रैकिंग का पार्ट ना रहे जब भी हम लोग ट्रैक करें फॉरवर्ड। तो इसको भी ऑफ कर देते हैं यहाँ से। अब एक और एक्स स्प्लाइन टूल लेते हैं हम लोग और ऐसा हम लोग को शेप क्रिएट करना है कि ये जो इंटीरियर पार्ट है वो ना आए उस ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन में। तो हम लोग के पास दो तीन ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक बड़ा शेप बनाऊँ क्योंकि ये पूरा मोशन एक ही में जा रहा है, तो हम यहाँ से शेप बना सकते हैं मोबाइल का जस्ट लाइक दिस। हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं शेप और आखिरी में बस राइट क्लिक करिए इस टूल से बाहर आने के लिए ऐसे। तो हमने यहाँ पे एक शेप बना के रखा है, बट अभी भी जो है पार्ट हमारा इंटीरियर तो इसमें ले ही रहा है, तो रिफ्लेक्शन अभी भी रिफ्लेक्शन जो है ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है मोबाइल के अंदर वो अभी भी हमारी ट्रैकिंग डेटा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसके भी दो तीन उपाय हैं, आप एक अलग से लेयर ले सकते हो, उस पर एक और शेप क्रिएट करो और फिर लेयर प्रॉपर्टीज में जाके उसको ऐड से सब्सट्रैक्ट करो। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, उसको हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे, अभी इसके लिए हम लोग एक छोटा सा उपाय करते हैं। एक हम लोग यहाँ से एक्सिस प्लाइन को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सिस प्लाइन प्लस आता है। इस टूल से होगा क्या कि हम लोग जो भी शेप क्रिएट करेंगे वो इसी लेयर के अंदर आएगा, ना कि एक न्यू लेयर क्रिएट करेगा। सो अभी हम लोगों ने लेयर टू सेलेक्ट किया है और अभी हम कोई भी टूल बनाएं, कोई भी शेप बनाएंगे वो इस लेयर टू के अंदर आएगा। सो हमें करना क्या है, हमें एक स्प्लाइन बनानी है इसके जस्ट मोबाइल के अंदर यहाँ तक, और इसके राइट क्लिक करना है एज से बाहर आने के लिए टूल से और इसको ड्रैग कर देना है कॉर्नर्स को ताकि कॉर्नर्स जो है क्रिस्प हो जाएं। कुछ इस तरह से क्रिस्प कर देते हैं एजिस को। सो
अभी हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हमने एक शेप बनाया है मोबाइल का और उसके अंदर एक और शेप बना के रखा है। तो इससे हो क्या रहा है, जो ये मोका सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से डील कर रहा है कि हम एक ही लेयर के अंदर दो शेप क्रिएट करें। तो जो हमारा पहला शेप वो एज ए नॉर्मल शेप रहेगा और ये जो इंटीरियर वाला हमने रोटो शेप क्रिएट किया है इस रोटो के अंदर, वो एज अ सब्सट्रैक्ट वर्क करेगा इस लेयर के साथ। एसेंशियल में आप लोग देख नहीं सकते कि एग्जैक्टली इससे मैं क्या ट्रैक कर रहा है, बट अगर मैं यहाँ एसेंशियल लेआउट से हट के क्लासिक में जाऊँ, अभी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और फीचर वीडियोज़ में ये क्लासिक मोड भी मैं कवर करने वाला हूँ, तो फिलहाल के लिए अभी बस एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये क्लासिक मोड लगा रहा हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो लेयर मैट्स का, ये एक्चुअली शो करेगा कि हम ट्रैक क्या कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला शेप है वो इतना एरिया हमारा ट्रैक हो रहा है जितना ग्रे ग्रे है, और बीच में जो हमने शेप बनाया वो एक्चुअली सब्सट्रैक्ट हो चुका है इससे। तो बस यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इसको ऑफ कर देते हैं और डायरेक्ट फिर से जाते हैं एसेंशियल पैनल में। तो जैसे कि आपने देखा कि ये खाली इतना एरिया ट्रैक कर रहा है, अंदर वाला सब्सट्रैक्ट कर दे रहा है सिंपली। और हमने जो ये शेप बनाया है लेयर टू के अंदर एग्जैक्टली उसी लेयर के अंदर, इससे होगा क्या कि ये शेप भी जो है वो भी साथ में ही ट्रैक होता जाएगा, तो हमें अलग से इसको ट्रैक नहीं करना होगा सब्सट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए भी इसको ट्रैक कर लेते हैं फॉरवर्ड जल्दी से, बस यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, बाकी मुक अपने आप हैंडल कर लेगा सब। जैसा कि देख सकते हैं थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी आई थी जब हैंड एनिमेट हुआ, बट उतना उसने अपने आप ही मैनेज कर लिया है। ट्रैकिंग हो चुकी है और जैसा कि देख सकते हैं ये ट्रैक काफ़ी अच्छे से स्टिक हो चुका है अब तक, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्रैकिंग डिटेल जा रही है। जैसे कि पिछला ट्रैकर आपने देखा था वो पूरा का पूरा स्लाइड हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस वाले ट्रैकिंग में, जितने भी अंदर रिफ्लेक्शन आ रही थी वो तो सब्सट्रैक्ट हो ही चुकी, तो उस डिटेल का हम लोगों ने कुछ कैप्चर भी नहीं किया है। सो कुछ इस तरह से आप लोग मोका में सिंपल एक ट्रैकिंग कर सकते हैं। एसेंशियल जो लेआउट है इनका काफ़ी अच्छा है अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, अगर आपको सिंपल सा एक ट्रैक निकालना और जाना है अपने कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर पे और कंपोज करना, तो ये एसेंशियल पैनल सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए। आप अगर क्लासिक में जाओगे तो आप व्यूअर भी आपको छोटा हो जाएगा और साथ में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपको यूज़ भी नहीं है। तो ये हमारा हो चुका ट्रैक कम्प्लीट, हम लोग को आखिरी काम करना है बस ये लेयर सेलेक्ट करनी है और इसके जो पर्सपेक्टिव वो अलाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ से सो सरफेस पे क्लिक करना है और ग्रिड अलाइन पे, और इसके बाद हमें ये जो ब्लू बॉक्स आया है इसको ग्रिड को ऑफ करने दीजिए। इस ब्लू बॉक्स को हम लोग को अलाइन करना है इस मोबाइल के पर्सपेक्टिव में, तो चलिए पहले इसको अलाइन कर लेते हैं। बस कॉर्नर्स को ड्रैग करना है, ये एक्चुअली हम लोग पर्सपेक्टिव सेट कर रहे हैं ताकि हम लोग कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर पर जब जाएं और अपनी कोई भी इमेज यहाँ पर लगाएं तो वो परफेक्टली अलाइन हो जाए इस पर्सपेक्टिव में। अगर हम लोग ये प्रोसेस नहीं करेंगे और उसको अगर लीव कर देंगे इस प्रोसेस को, तो हम लोग को फिर से एक कॉर्नर पिन अलग से लेके ही वहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पहले से थोड़ा बहुत सेट करके रखें तो हमारी इमेज जो है वो डायरेक्टली अपने आप अलाइन हो जाएगी इस सरफेस के साथ सेम पर्सपेक्टिव में। हल्का जूम इन कर रहा हूँ मैं शॉट में और यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं मैंने अलाइन करके रखा है सरफेस अपना, और अगर यहाँ से ग्रिड ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रिड का हमारा पर्सपेक्टिव वो भी मैच हो चुका है मोबाइल के पर्सपेक्टिव से। अब मैं अगर प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि ग्रिड जो है परफेक्टली अलाइन है इस मोबाइल के साथ भी। इसको यहाँ से पॉज करते हैं और लेयर प्रॉपर्टीज़ में, इसके बाद हम लोग लेयर प्रॉपर्टीज़ में आए, तो लेयर प्रॉपर्टीज़ में भी आपको इस लेयर का जो इन पॉइंट आउट पॉइंट है वो देख सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक ट्रैक करना है, वो भी आप लोग यहाँ देख सकते हो। एसेंशियल में आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको अपना ट्रैकिंग चेक करनी है केवल कि ये ट्रैकिंग कैसे जा रही है, कोई इमेज लगा के देखनी है, तो आप यहाँ से आके कुछ ऑप्शंस दे के रखे हैं इन्होंने, जैसे कि लोगो दे के रखा है, लोगो आप लगा के देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसा जा रहा है, या फिर आप इसको लोगो को हटा के ग्रिड भी लगा सकते हो, अंदर ग्रिड फिट हो जाएगी। बाकी आपको ग्रिड में भी ऑप्शंस हैं 16x16 करना है या फिर 32x32 का, ये सब बस चेकिंग के लिए आपको, अगर आपको ट्रैकिंग डेटा आपको चेक करना है मोका के अंदर ही तो आप इस तरह चेक कर सकते हो। और अब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है यही ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन अपने न्यूक सॉफ्टवेयर पे या फिर आफ्टर इफेक्ट या फिर आप कोई भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको लेयर सेलेक्ट करनी होगी जो भी लेयर की ट्रैकिंग डेटा आपको चाहिए, और सिंपली एसेंशियल्स पैनल में आना है और एक्सपोर्ट ट्रैकिंग डेटा पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ करते हो। अगर मैं शुरुआत में आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर इफेक्ट के कॉर्नर पिंस दिया है, ट्रांसफॉर्म दिया है, तो आपको जो भी चाहिए यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो सेलेक्ट करके।
और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फ्यूजन हो गया, बोरिस एफएक्स के सॉफ्टवेयर हो गए, फाइनल कट में, हिट फिल्म में, तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए। हम लोग जो इस ट्रैकिंग डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे अपने न्यूक सॉफ्टवेयर में, तो न्यूक के लिए हम लोग को यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि न्यूक 7 ट्रैकर है, न्यूक का ESCI डेटा है और न्यूक का कॉर्नर पिन है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉर्नर पिन पे क्लिक करेंगे और कॉर्नर पिन पे क्लिक करने के बाद जस्ट क्लिक टू कॉपी कर दीजिए, और जैसे क्लिक टू कॉपी बोर्ड करोगे आपको ये कॉपी हो चुकी डेटा। सिंपली आपको न्यूक में जाना है, लेट मी ओपन माई न्यूक। तो सिंपली आपको अपने न्यूक में जाना है और आपको कंट्रोल वी क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक कॉर्नर पिन आ जाएगी, जो भी आपने ट्रैकिंग किया है वो आपका पूरा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं ये कॉर्नर पिन आ चुकी है हमारे पास। सो गाइस, ये था ट्रैकिंग के बारे में मोका की। इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है मोका की जो बेसिक ट्रैकिंग है पूरा कवर करने की कोशिश किया है। शॉर्ट भी मैंने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला ऑब्जेक्ट लिया ताकि दो तीन टॉपिक और कवर हो सकें, बाकी अभी बहुत कुछ बाकी है मोका में कवर करने के लिए। और बाकी अगर आपको ये हिंदी सीरीज़ अच्छी लग रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।